वीवो की तरफ से इस दिसंबर मंथ के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन के लिए फनटच ओएस 15 एंड्रॉइड 15 का जो बीटा अपडेट है वो रोल आउट किया गया है। सो वो कौन कौन से स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट 10 प्लस अपडेट है ना, वो यहाँ पर रोल आउट किए गए हैं। सो आप लोग गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। हम लोग इस वीडियो में अपडेट ट्रैकर के बारे में बात करने वाले हैं, और वीडियो आपको ये अच्छी लगती है अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके स्मार्टफोन के लिए जैसे अपडेट रिलीज होगा तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और ये हमने एक वीवो का नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, तो इसको आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला अपडेट है Vivo V40e स्मार्टफोन के लिए फाइनली फनटच ओएस 15 का अपडेट आ चुका है, और 2.35 GB आपको अपडेट की टोटल साइज देखने को मिलती है। और जो सेकंड अपडेट है वो है Vivo V40 स्मार्टफोन के लिए, इसके लिए भी बीटा अपडेट आ चुका है और 2.65 GB आपको अपडेट की टोटल साइज मिलती है। थर्ड अपडेट आपको मिलता है Vivo V40 Pro स्मार्टफोन के लिए, 2.52 GB आपको अपडेट की टोटल साइज मिलती है। और नेक्स्ट अपडेट है Vivo V29 Pro स्मार्टफोन के लिए, 2.63 GB की ऑलमोस्ट आपको अपडेट की टोटल साइज मिल जाती है। और नेक्स्ट अपडेट है Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन के लिए, 2.52 GB की अपडेट की टोटल साइज है। तो लगभग डिवाइस के लिए जो अपडेट साइज है ना वो आपको सेम ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपडेट है Vivo V29 स्मार्टफोन के लिए, अपडेट की साइज 6.79 GB। तो इतनी ज्यादा अपडेट की साइज इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहले के कुछ अपडेट्स हैं उनको इंस्टॉल नहीं करके रखा होगा, तभी अपडेट की साइज ना वो इतनी बढ़ के आई है। Vivo V29e जो स्मार्टफोन है उसके लिए भी अपडेट आ चुका है और 6.13 GB के आपको अपडेट की टोटल साइज मिलती है। नेक्स्ट अपडेट है Vivo V30 स्मार्टफोन, जिसके लिए आपको 2.73 GB की साइज है ना वो देखने को मिलती है। और यहां पर मैंने कुछ और डिवाइस है ना वो यहां पर मेंशन किए हैं, जैसे कि Vivo V35G, Vivo V30 Pro, Vivo V30e 5G और iQOO Neo 9 Pro। सो इन सभी के लिए भी इंडिया में फनटच ओएस 15 का अपडेट है ना वो रिलीज कर दिया गया है। तो गाइज ये बीटा अपडेट है, सभी यूजर्स को नहीं मिलता है, लिमिटेड अपडेट होता है लिमिटेड यूजर्स के लिए। आपको इस अपडेट के लिए अप्लाई करना होता है सेटिंग एप्लीकेशन में, तभी आप लोग इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाते हो। तो हमारे चैनल पे काफी जल्दी आपको वीडियोज है ना वो मिलेगी कि मैनुअली आप लोग अपडेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑफिशियल अपडेट का आप लोग अगर वेट कर रहे हो तो आपको वेट करना होगा, जैसे कि आप लोग यहां पर डेट देख लेना, जब भी आपके स्मार्टफोन के लिए फर्स्ट बीटा अपडेट आ जाएगा उसके करीबन आप लोग मान सकते हो इंक्रीज कर देना 40 डेज, एक महीने के बाद जो ऑफिशियल अपडेट है वो वीवो की तरफ से रोल आउट कर दिया जाएगा। और जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको वीवो के इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारा वीवो का जो डिस्कशन टेलीग्राम चैनल है उसको तो आप लोग ज्वाइन कर ही सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।